इससे फिर सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए विशेष रूप से सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे आदिवासी परंपरा और संस्कृति के अनुरूप प्रतीक चिन्ह आया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का कांसे की थाली है और उसमें उनका चित्र उकेरा गया है, उसको माननीय मोदी जी को समर्पित करने के लिए माननीय नारायण चंदे जी, माननीय अजय चंद्राकर जी से निवेदन है कि आप आए और वह प्रतीक चिन्ह भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी का स्वागत। सबके बीच में माननीय नितिन गडकरी जी उपस्थित है, माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी, सारे सांसद उनसे निवेदन करता हूँ, माननीय नितिन गडकरी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रतिदिन 29 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने वाले, 2014 में 97,000 किलोमीटर से 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने वाले हैं, माननीय नितिन गडकरी जी का छत्तीसगढ़ की धरा पर स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर मंसूर भाई मांडविया जी, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, हम सब के बीच में विराजमान है। मैं सांसद गुहारा मजगल्ली जी से निवेदन करता हूं कि पुष्प गुच्छ देकर के माननीय मांडविया जी का हम सब के बीच स्वागत करें। छत्तीसगढ़ के महतारी इस काम का लोकार्पण या तो शिलान्यास हुआ है, इनमें रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। ये सारी परियोजनाएं आपके जीवन से मुश्किलें कम करेगी, यहां रोजगार के हजारों नए मौके बनाएंगे। भाई और बहनों, 2 साल बाद छत्तीसगढ़ के निर्माण के 25 साल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ युवा ऊर्जा से भरा हुआ है और कहते भी हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। साथियों, अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है, ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट करके बर्बाद कर देगा। साथियों, गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था, दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। साथियों,
कांग्रेस के झूठ, इनके फरेब की पोल खोलने के लिए, इनके एक वादे की याद में आपको जरूर दिलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, बेटियां इस बात को जरा गौर से सुने। तब छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। कहा ये भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है और इसकी पूरी जानकारी अखबारों में भरी पड़ी है। यानी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ से धोखा किया। साथियों, आरोप ये है, ये जो कमीशन के पैसे उगाए जाते थे ये कांग्रेस पार्टी के खाते में गए हैं, इसलिए भली भांति की चर्चा यहां हो रही है। अब कहने वाले कहते हैं कि शराब घोटाले के पैसे की इसी मारामारी में यहां 2.5 साल मुख्यमंत्री पद वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी, कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। अब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार बीते 3-4 वर्षों में जो चुनाव देश में हुए उसमें कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी देता था और घोटाले घपले के आरोप सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं है। यहां ऐसा कोई विभाग नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो संदेह के घेरे से बाहर है। कोल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, न जाने कैसे कैसे माफिया यहां फल फूल रहे हैं। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के अभियान, जल जीवन मिशन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। यहां सूबे के मुखिया से लेकर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों तक, पता नहीं कौन कितने लोग हैं जिन पर घोटाले के गंभीर से गंभीर आरोप लगते रहे। आज छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। इसलिए ही आज छत्तीसगढ़ से चारों तरफ हर कोने से, हर जुबान से एक ही आवाज उठ रही है, एक ही आवाज सुनाई दे रही है।
ये दाढ़ी कांग्रेस के सरकार में बदल दो। साथियों, छत्तीसगढ़ में बीते चार साल में जो कुछ हुआ इससे फिर सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की कमीशन खोरी की गारंटी है तो करता हूं।